हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा राजपूती रेडीमेड लहंगे की सिलाई किस तरीके से की जाती है, वो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लहंगे की लंबाई कट कर देनी है। ये रेडीमेड लहंगा आता है, इसमें कई बार लेपा लगाया हुआ आता है और कई बार साइड में अटैच किया हुआ आता है। तो मैंने क्या किया, इसके साइड में अटैच किया हुआ आया था उसको मैंने खोल दिया यहाँ से, और इसके बाद में इसकी मैंने लहंगे की लंबाई कट कर दी। जैसे कि आपको लहंगे की लंबाई हो, जैसे कि मेरी लहंगे की लंबाई है 38.5 इंच, तो मैंने इस लहंगे को कुछ इस तरीके से जमा दिया है। इसके बाद में इसे को आधा इंच हमें जितनी लंबाई है उससे हमें आधा इंच कम कर देना है। तो 38.5 इंच लंबाई है तो हमें 38 इंच का ये कट कर देना है। इस तरीके से हमें जमा देना है, इसके बाद में हमें यहाँ से कट कर देना है। इसके बाद में हमें कट करने के बाद में हमें इसमें हमें देखना है कि मगजी किस तरीके से लगे, ये सही है या नहीं, और गुणा भी सही है या नहीं। और सही हो तो हमें रख देना है, नहीं तो इसको यहाँ से खोल के, और गुणा सही नहीं हो तो गुणा सही निकाल देना है। इसमें मेरे इस गुणा सही है, एकदम परफेक्ट है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी जो कलियाँ देखनी है वो सही है कि नहीं। इसमें ये जो कली जोड़ी हुई है ये हमें देखना है कि सही है या नहीं। ये देखिए, ये जो कलियाँ हैं इसमें फोल्डिंग नहीं की हुई, ये ऐसी है, और कई कलियाँ है जो डायरेक्टली सिलाई लगाई हुई है। ये देखिए, इसमें ऊपर से तिरछा नहीं किया गया है, तो हमें यहाँ से ऊपर से इतना तिरछा करना पड़ेगा, फिटिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो लहंगे का अच्छा लुक नहीं आएगा। तो ये कली दो कली है वो लग ये तिरछी नहीं की गई है, तीन कली है, और बाकी कली है वो तिरछी की गई है। ये सही तरीके से नहीं है, हमें यहाँ से थोड़ा सा 1 इंच लगभग जितना हमें चाहिए फिटिंग, उसके हिसाब से हमें तिरछा कर देना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो फोल्डिंग करनी है, या फोल्डिंग कर सकते हैं या फिर इंटरलॉक भी कर सकते हैं आप चाहे तो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से हमें लेना है ऐसे हमें, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देना है ऐसे हमें। इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है ऐसे फोल्डिंग करते हुए। आप चाहे तो इंटरलॉक भी कर सकते हैं। ऐसे हम फोल्ड कर देंगे ताकि बाहर धागे बाहर ना निकल दिखे। तरीके से ये मैंने एक सिलाई ले ली है। इसके बाद में हमें ये जो डायरेक्ट कली जोड़ी हुई है इसके एक सिलाई लगी है, इसको हमें यहाँ से तिरछा करेंगे कुछ इस तरीके से। पहले पकड़ लेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ऐसे हम सिलाई लगा देंगे और ऊपर की साइड में हमें हल्का सा तिरछा लेते हुए सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि जो हमारा कलिया लेंगे कलिया है ऊपर से फिट हो जाएगी, ज़्यादा प्लेट ना लगे इस तरीके से, नहीं तो ऊपर की साइड में ज़्यादा प्लेट आएगी। इस तरीके से हमें इसका जो मार्जिन है वो ज़्यादा लेना है ऐसे हमें। इसी तरीके से हम दूसरी कली को ऐसे हम फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से हम सभी कलियों में ऐसे फोल्डिंग कर देंगे।
इस कली को हमें थोड़ा ऊपर से तिरछा कर देना है ताकि ऊपर से कली फिटिंग हो जाए। हम को से यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से मैं सभी को होल्डिंग कर देता हूँ। पहले ये मैंने सभी कलियों में वोटिंग कर दी है। इस तरीके से देखिए, ये ऊपर से कलियाँ फिटिंग हो गई। अब हमें इसमें ज़्यादा प्लेट नहीं आएगी, एक एक लगभग प्लेट आएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से फोल्डिंग करना है दोनों साइड में। इस तरीके से हम फोल्डिंग कर देनी है। इसके बाद हम दूसरी साइड में ऐसे हमें फोल्डिंग कर देनी है। ये हमारी फोल्डिंग हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके लेपा लगाना है। लेपा लगाने के लिए हमें इसको कपड़ा चाहिए होता है। इसमें कपड़ा है जो इसमें साथ में आया था ऊपर अटैच किया हुआ, तो मैंने इसमें साइड दोनों साइड में इस तरीके से फोल्डिंग कर दी है। इसके बाद हमें क्या करना है, जितना हमें लेपा रखना है उसके हिसाब से हमें डबल कर देना है। मैंने लेपा फिक्स कर दिया है, ये मैं 30 इंच का लेपा लगा रहा हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, डबल हो गया और इसको ऐसे फोर फोल्ड करना है, टू फोल्ड और ये फोर फोल्ड और ये एट फोल्ड, इस तरीके से फोल्ड कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पर कट लगा देना है इस तरीके से, इस तरीके से। इसके बाद हमें क्या करना है, लेपा लगाना। हमें लेपा लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, लेपे को सीधा भाग रखना है और लहंगे का भी सीधा भाग रखना है। और इस तरीके से लेपे को नीचे की साइड रखना है और इस लहंगे को भी इस तरीके से ऊपर की साइड में रखना है। इसके बाद हमें यहाँ पे प्लेट लगानी है, जहाँ पे ये देखिए यहाँ पे टक लगाया हुआ, उस पर हमें इस तरीके से मिला देना है इस टक को और इस तरीके से। और यहाँ पे जितना बीच में कपड़ा है उस पर हमें एक प्लेट लगा देना है इस तरीके से। इसी तरीके से हमें सभी कलियों में ऐसे हमें प्लेट लगा देनी है। जहाँ पे ये कट लगाया हुआ उसको ऐसे मिला देना है और ऐसे हमें प्लेट लगा देनी है। इस तरीके से हमें प्लेट लगा देनी है। ये कट और कट को मिला देते हैं हम। इस तरीके से हमें प्लेट लगा देनी है। इस तरीके से देखिए। इसके बाद हमें इसको ऐसे फोल्ड कर देना है वापस ऊपर की साइड में ऐसे, इस तरीके से। जब हम यहाँ पे सिलाई स्टार्ट करें तो मशीन को आगे की जरूरत पड़ेगी ताकि सिलाई की मजबूती हो जाए।
ये हमारे रेडीमेड लहंगे का लेपा लगा। इसके बाद हमें क्या करना है, साइड की सिलाई लगानी है इस तरीके से। इसमें हमें साइड की सिलाई, पहले हमें सीधी साइड में हमें सिलाई लगानी है। ये दोनों मैंने भाग ले लिया, उल्टी साइड अंदर की साइड में और सीधी साइड हमें बाहर की साइड रखना है। इन दोनों को गुणे को आपस में मिला देना है और इस तरीके से हमें एक किनारी से सिलाई लगा देनी है। एक सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मार्जिन है उसको हमें इस तरीके से कट कर देना है। इस तरीके से इसके बाद हमें इसको वापस ऐसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद हमें ऊपर की साइड में सिलाई लगानी है, जो हमारे बूट है बूट के एक पैर के हिसाब से हमें सिले लगा देनी है। ऐसे हमें कपड़े को आगे से बराबर रखते हुए सिले ये हमारे रेडीमेड लहंगा कुछ इस तरीके से बना है। ये देखिए, इस तरीके से आप आसानी से रेडीमेड लहंगे की सिलाई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।